हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 28 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स सबरेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है उसको लेके। देखो, ये जो प्रजाति उसे नई तो नहीं बोल सकते, कहना मतलब रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये आपको ध्यान में रखना है, इसको वैसे ट्रेंजला के नाम से जाना जाता है। ट्रेंजला ट्रेंजला का मतलब होता है कि वो मकड़ी या वो मकड़ा जो कि गर्म स्थलों में यानी कि जो काफ़ी जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है उन एरिया में पाया जाती है, मकड़ी की प्रजाति होती है उसको बेसिकली टेरेंजिला के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो ये नई स्पाइडर यानी नई मकड़ी की जो प्रजाति देखी गई है या बोल सकते हो कि काफ़ी रेयर है, जो मुश्किल से देखी गई है, वो अभी ये ध्यान रखना कि ईस्टर्न घाट पर देखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ईस्टर्न घाट में एक नई मतलब मकड़ी की प्रजाति है वो अभी देखी गई है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद वहाँ पे मिली है। ये जो डिस्कवर की गई है या आप बोल सकते हो कि इसको वापस से खोजा गया है, वो किया गया है इंडिजिनस बायोडायवर्सिटी फाउंडेशन जो कि एक संस्था है उसके द्वारा। है कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इसको देखा गया है, वो देखा गया है पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट जो कि ईस्टर्न घाट में आते हैं, बेसिकली आंध्र प्रदेश में यह है। इसका देखो वैसे जो नाम है वो है पिकॉक पैराशूट स्पाइडर, कुछ इस तरीके की दिखती है, पिकॉक जैसे इसका रंग है, मोर जैसा आप देख सकते हो ये है। तो अभी ये न्यूज़ में आई है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे देखा गया है, पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट जो कि बेसिकली आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आते हैं। अब देखो ईस्टर्न घाटे में ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारी स्पीशीज वैसे पाई जाती हैं, बट नॉर्मली जो नई प्रजाति होती है वो वेस्टर्न घाट में होती हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यूपीएससी कन्फ्यूज ना करें कि भाई जो मकड़ी की रेयर इस प्रजाति है जो डिस्कवर की गई है वो कहाँ पर देखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। CSIR का मतलब हो गया काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये हो गया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में। तो देखो कंटेक्स्ट को हम डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, इसका मोटो ये है कि भाई 2017 से लेके 2024 के बीच में, दो ध्यान से रखना, 2017 से 24 के बीच की बात यहाँ पे की जा रही है कि 2017 में PM2.5 और PM10, ये दो आपको ध्यान रखनी है, PM2.5 और PM10 जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं इनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है इसको मेनली कम करना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मोटो ये है कि 2017 में PM2.5 और PM10 की जो मात्रा थी ना, इसको 2024 तक हमें 20 से 30% के बीच में कम करना है। मतलब कि कम से कम 20% तो हमें कम उत्सर्जन है वो कम से कम करना ही होगा। यानी कि ये मान लो कि आज है वो 100 किलोटन PM2.5 का उत्सर्जन हो रहा है, तो हमें इसका 20% तो कम करना ही होगा, यानी कि हमें 80 तक पहुंचना होगा। ये हमारा एक मोटा मोटा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। अब इसमें एक तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो ऑल ओवर इंडिया में चलाया गया है। नहीं भाई, अभी ये इंडिया की जो मेजर सिटी है जैसे दिल्ली हुई, मुंबई, अभी वहाँ पर ही चलाया गया है, इसके बाद में ऑल ओवर कंट्रीज में इसको देखा जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है कि दिल्ली में PM2.5 और जो PM10 है इनके वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए पहले इसका फोकस है वो दिल्ली के जैसी मेजर सिटीज में किया गया है। क्राइटेरिया क्या है इसका, सॉरी जो गाइडलाइंस या आप बोल सकते हो कि लिमिट क्या है, वो ये है कि 2017 में PM2.5 और 10 का जितना उत्सर्जन हो रहा था इसको हमें 2024 तक 20 से 30% कम है वो करना है। ये हमने देख लिया। अब आप समझ गए होंगे कि भाई जब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये चलाया जाएगा तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी कंपनी है या इंडस्ट्री है वो नए नए उपकरण बनाएंगी ताकि PM2.5 और PM10 है इसको कम किया जाए या इसके उत्सर्जन को रोका जा सके, रेगुलेट किया जा सके। अब अगर वो उपकरण बनाए जाएंगे तो उनका कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड या कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी जो कि भाई जो भी उपकरण बनाए जाएंगे क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए उनकी जांच वगैरह कर सके, इसके बारे में मतलब उनको टेस्टिंग कर सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, मैनेजमेंट का काम हो, उनको सर्टिफिकेशन देने का काम हो, ये सारे काम भी जरूरत पड़ेगी। और ये सारे जो काम है वो किए जाएंगे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा। अब ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ना, ये बेसिकली आपको मैं बता दूं 1943 में इसका प्रस्ताव लाया गया था। उस टाइम पे तो मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले इसका प्रस्ताव लाया गया था नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है वो 1943 में ला गया था। इसके बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू 1947 में उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का निर्माण है वो किया था। ये तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। अभी न्यूज़ में क्या है वो मैंने आपको आई होप समझ गए होंगे कि भाई जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो भी उपकरण बनाए जाएंगे इंडिया में कंपनीज के द्वारा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना,
उनके लिए मैनेजमेंट का काम, उनके लिए जो भी उपकरण है उनके लिए गाइडलाइंस, उनके लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, जो भी सर्टिफिकेशन की प्रोसीजर रहेगी इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो सारे काम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा किए जाएंगे। अब बात ऐसी है कि CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसी के अंडर आती है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो CSIR के NDIC का एक पार्ट है। अब काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो बॉडी है, ये बेसिकली हमारे देश में जो इंडस्ट्री हैं इनके लिए रिसर्च वगैरह करती है, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि क्यों भी न्यूज़ में इसीलिए है कि NCAP को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे कंपनीज के द्वारा, उनको सर्टिफिकेशन के लिए, उनके एमिशन है, उनके स्टैंडर्ड की क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेस्टिंग है, ये सारे काम बेसिकली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा भी किए जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखा है कंटेक्स्ट। वैसे एक साथ में ये भी था कि जो ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ना, इसको बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा वेरिफिकेशन एजेंसी का दर्जा दिया गया था, तो वो तो खैर यहाँ न्यूज़ में कवर हो ही गया है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी है वो डिक्लेयर किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये आपको कंटेक्स्ट और न्यूज़ है वो सारी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है मित्रा क्रिएटर के बारे में। क्रिएटर का मतलब होता है गड्ढा। क्या है अभी आपको पता है चंद्रयान 2 मिशन है वो इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि चंद्रमा की जो कक्षा है, क्लास है, ऑर्बिट है, उसमें सक्सेसफुली पहुंच चुका था। तो वहाँ पे एक गड्ढा था चंद्रमा पे क्रिएटर, उसका नाम अभी मित्रा है वो रखा गया, मित्रा या मित्रा इसको बोल सकते हो। ये किस बेसिस पे रखा गया थोड़ा हम वो हिस्ट्री पे जानने की कोशिश करते हैं। देखो इंडिया के एक फिजिशियन थे मतलब जो कि फिजिक्स की स्टडी करते थे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है फिजिक्स, जिनका नाम था शिशिर कुमार मित्रा, और इन्हीं के नाम पे इस क्रेटर या इस गड्ढे का नाम है वो मित्रा गड्ढा रखा है, मित्रा क्रेटर रखा गया है। अब ये नाम दिया किसके द्वारा गया है, ये नाम देखो दिया गया है, वैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि ब्रह्मांड में जो भी स्पेस में ग्रह वगैरह हैं, प्लेनेट हैं, इनकी स्टडी वगैरह काम इसके द्वारा किया जाता है। ये उन कौन सा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट नहीं है, ये भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ही दिया जाता है। ये आपको उस फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब बात ऐसी है कि जो भारत के जो यहाँ पे फिजिस्ट थे जिनका नाम था शिशिर कुमार मित्रा, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। बेसिकली इन्होंने आयनोस्फीयर की स्टडी के लिए इनका बहुत अद्वितीय योगदान रहा है, वो खैर आगे हम देखने वाले भी हैं। तो इनका योगदान काफ़ी बड़ा रहा था और इसी के साथ ही काफ़ी सपोर्ट रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान रहा है, एक तरह से साइंटिस्ट के तौर पर हम बोल सकते हैं। इसीलिए जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ना, इसी का एक ग्रुप है, एक छोटा सब पार्ट है, जिसका आपको नाम ध्यान रखना है प्लेनेटरी सिस्टम नोमेक्लेट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, ये जो मतलब जो मित्रा क्रिएटर है इसका नाम दिया गया है, तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे तो 1970 में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा था, उनकी हेल्प से ये बनाया गया था, उनकी हेल्प से इसको डेवलप है, वो आगे किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये देखते हैं कि भारत के जो ये फिजिस्ट थे जिनका नाम है शिशिर कुमार मित्रा, इन्होंने क्या काम किया था, वो हमारे लिए उपलब्धि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो इनका जो मेन योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, वो था आयनोस्फीयर। अर्थ के अंदर आपको पता है काफ़ी डिफरेंट लेयर हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है तो इसके ऊपर काफ़ी सारे लेयर हैं, एक लेयर ऐसे है स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, इस तरीके से आपको पता होगा सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आ रही है, तो लास्ट में आती है आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है, आयन प्रेजेंट होते हैं, और उनकी स्टडी में इनका बहुत बड़ा योगदान था मिश्रा जी का। और इसी के साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अपर एटमोस्फियर, जो कि 1947 में प्रकाशित की गई थी, जिसको बेसिकली आयनोस्फीयर के रिसर्च वर्क में बाइबल के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये एक तो इनकी बुक का नाम ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट हैं, चंद्रयान 2 मिशन से इनका लिंक हो गया है, इसलिए UPSC पूछ सकती है। और एक तरीके से पहले ऐसे पर्सन थे मित्रा साहब जिन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जो इंडिया में चल रही है इसको लेके आए थे, मतलब इंडिया के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले शिशिर कुमार मित्रा पहले ऐसे पर्सन थे। तो ये 2-4 फैक्ट और बुक आपको UPSC पूछ सकती है, तो ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है G7 को लेके। देखो G7 जो ग्रुप है ना, ये बेसिकली बनाया गया था 1975 में। अभी न्यूज़ ये थी कि G7 की जो 45th एनुअल सबमिट है, जो कि फ्रांस की एक टाउन है जिसका नाम है यहाँ पे बेट्रेज,
नाम आपको इस सिटी का नाम पूछने वाले नहीं है यूपीएससी, बस ये ध्यान होना चाहिए कि जी सेवन का जो सबमिट है वो हुआ कहाँ था लेटेस्ट, तो 45th सबमिट है वो फ्रांस में हुआ है। देखो इसमें होता क्या है जी सेवन में वो देखते हैं इस ग्रुप का। ये जो ग्रुप है जी सेवन में इसमें 7 कंट्रीज हैं, पहले तो खैर वही देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा जी सेवन में 7 कंट्रीज आती हैं, एक तो आती है जर्मनी, एक यूके, एक फ्रांस, एक कनाडा, यूएस, इटली और जापान। यानी कि मैं आपको बोल सकता हूँ वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है, टॉप 7 हैं, उनको मिला के जी सेवन ग्रुप है वो बनाया गया है। देखो पहले जब ये 1975 में बनाया गया था ना, उस टाइम पे इसमें 8 कंट्री थी, रशिया भी था, बट रशिया का आपको पता है कुछ सालों पहले क्रीमिया वाला कुछ डिस्प्यूट हो गया था कि रशिया के ऊपर आरोप लगे गए थे कि भाई इन्होंने क्रीमिया को हड़प लिया है, मतलब जबरदस्ती छीन लिया है, इसीलिए बाद में जी एट में से रशिया को निकाल के जी सेवन ग्रुप है वो बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना कि जी एट है वही जी सेवन एक तरीके से, बस रशिया को उससे हटा दिया गया है। वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट एडवांस इकोनॉमी, मतलब जिनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में तूती बोलती है, उन कंट्रीज का है एक इकोनॉमिकली ग्रुप आप बोल सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें G20 की, तो G20 में कौन कौन आ जाता है, G20 में 7 तो ये कंट्री आ गई, एक रसिया आ गई, 8 हो गई, इसके साथ एक टर्की आ जाएगा और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो आएंगी, अर्जेंटीना आ जाएगा, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब देखो G20 की जो सारी कंट्री मेंबर हैं वो आपको याद नहीं करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन सी G20 में शामिल नहीं है। जैसे यूपीएससी पूछ लेगी पाकिस्तान है G20 का मेंबर, नहीं भाई साहब पाकिस्तान नहीं है। तो इस तरीके से तो कई बार यूपीएससी थोड़ा घुमा के पूछ लेती है, तो वहाँ पे हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करेक्ट है वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमने G7, G8, G20 के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो जो G7 का सबमिट होता है ना, इसमें बेसिकली जो भी बर्निंग इश्यू होते हैं, मतलब कि जो भी न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनकी मतलब काफ़ी अहमियत है, उन पे डिस्कशन की जाती है। जैसे आपको बताया कि भी एक सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक क्या था, इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दिए गए थे, तो उसको लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा घमासान सा मच रखा था। तो इस मुद्दे पे भी यहाँ पे बातचीत की गई और भारतीय प्रधानमंत्री ने क्लियर बात की कि भाई देखो कश्मीर का जो मुद्दा है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है, तो इसलिए हम दोनों ही इसको मिल बांट के सुलझाएंगे, थर्ड कंट्री को यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है वो नहीं है। मतलब जो भी बर्निंग इशू, जैसे कि चाइना ट्रेड वॉर है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इसी के साथ ही ईरान का जो इशू था, नॉर्थ कोरिया के जो बर्निंग इशू, मतलब जो वर्ल्ड के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट इशू चल रहे हैं फिलहाल, उनके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे की जाती है। और हाँ, जो भी डिस्कशन की जाती है इससे जो भी डिसीजन आ रहे हैं वो बाइंडिंग नहीं है, केवल डिस्कशन की जाती है, और उससे हाँ हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। भाई ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रियाँ कोई डिसीजन ले रही हैं, कोई बात कर रही हैं, इसका मतलब उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली होना ही है, बट ये ध्यान रखना है कि जो डिस्कशन है वो कोई किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं होती है। इस बार देखो फ्रांस में आयोजित की गई थी, यानी फ्रांस ने इस समिट को होस्ट किया था। तो फ्रांस का बेसिकली जो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव थे वो 5 थे। एक तो इनइक्वालिटी से निपटना। अब इनइक्वालिटी किस टाइप की, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी वाली मतलब इनइक्वालिटी की, भाई जिन भी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसके साथ ही जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना, एजुकेशन के एरिया में इनइक्वालिटी ऐसे मानता है उसको दूर करना, हेल्थ के सेक्टर में जो इनइक्वालिटी है इसको दूर करना, इसी के साथ ही इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी बड़ी असमानताएं हैं, कुछ कंट्रीज इन्वायरमेंट पे फोकस कर रही हैं और यूएसए जैसी कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि भाई इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता है, तो ऐसी असमानताओं को दूर करना, इसी के साथ ही पीस को प्रमोट करना, टेररिस्टाइन से निपटने की डील लेके आना, जो भी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है तो उनके ऊपर लगाम लगाना, इसी के साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में क्या स्कोप है इसके ऊपर आगे फोकस है वो यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे जो इश्यूज हैं ये ऑब्जेक्टिव के आधार पर बात यहाँ पे की गई है। तो ये हमने जी से उन सबमिट के बारे में टॉपिक डिस्कस किए। सेकंड लास्ट जो हमारी न्यूज आई है वही है ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम OALP। देखो यहाँ पे आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए NELP, NELP, एक आपको पता होना चाहिए HELP और एक आपको पता होना चाहिए OALP, है क्या? हम स्टार्ट करते हैं NELP। ये ध्यान रखना इसका नाम थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। NELP का मतलब है न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है इनको एक्सप्लोर करने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसका नाम है NELP। यहाँ पे बेसिकली ये सबसे पुरानी है, बट नाम में लिखा है न्यू,
बट न्यू नहीं है ये, पुरानी है, न्यू के बाद में तो हेल्प आई है। तो अभी जो लेटेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग पॉलिसी है उसका नाम है हेल्प। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, बट आपको पता रखना है कि अभी जो हाइड्रोकार्बन को इंडिया में एक्सप्लोर किया जाता है वो एक तरीके एक्सप्लोर किया जाता है सॉरी, वो हेल्प पॉलिसी के तहत किया जाता है। और जो OALP है ना, ओपन एंगेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ये बेसिकली इसी हेल्प का एक सब टाइप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेल्प में क्या था, देखो थोड़ा छोटे बता देता हूँ, जो नेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग पॉलिसी थी ना, इसमें ये था कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि कैसे क्या काम करना है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा था किसी भी काम को लेके। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे गैस पाई गई है, तो इसका लाइसेंस दे दिया मान लो रिलायंस को। फिर मान लो इसी एरिया में ऑयल भी पाया गया है, तो उसका लाइसेंस दे दिया मान लो कि किसी भी कंपनी को, मान लो कि आइसर को दे दिया। और ऐसे मान लो कि यहाँ पे और भी चीज़ें पाई गई, तो उसका लाइसेंस दे किसी तीसरी कंपनी को। अब आपको पता है कि एरिया सेम है, ऑब्वियसली तीनों कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपस में लड़ाई होगी, तो मतलब विवाद बढ़ेगा और फालतू की लोचा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। तो इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नई पॉलिसी है जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें क्या था, इसमें ये किया गया कि भाई साहब जैसे इस एरिया में जो भी चीज़ें पाई गई हैं, चाहे इसमें ऑयल पाया जाए, चाहे इसमें गैस पाई जाए, चाहे इसमें LPG कुछ भी हो, उसकी ठेका सारा एक ही कंपनी को दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी मेन रिसोर्सेज निकालने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, उनका काम एक ही कंपनी को दिया जाएगा ताकि लड़ाई ना हो। ये तो एक टाइप का, इस टाइप का। अब यहाँ पे एक ओपन एनक्रेंज लाइसेंसिंग पॉलिसी वो क्या है, जो भी न्यूज़ में आई वो हम देखते हैं। देखो ओपन एनक्रेंज लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये है, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने जैसे कि कोई मान लो कि ये एक एरिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को कोयल गैस का ब्लॉक मिल गए, और यहाँ पे गवर्नमेंट को एक और गैस का ब्लॉक मिल गया। मैं मान लो कि 5-6 यहाँ पे गैस के ब्लॉक गवर्नमेंट को मिल गए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट की जब मर्जी होगी तब इनकी वो बोली या नीलामी लगेगी कि हाँ भाई अब हम इसकी नीलामी लगा रहे हैं, जिसको खरीदना है वो और खरीदो। ये तो थी पुराना सिस्टम। बट OALP में क्या किया गया है कि भाई जो भी एक तरीके से कॉन्ट्रेक्टर हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, या जो भी यहाँ पे नीलामी वाले लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट की जो भी साइट है ना वो गवर्नमेंट वेबसाइट पर डाल देगी। मतलब गवर्नमेंट को कोई भी गैस का ब्लॉक मिला, ऑयल का ब्लॉक मिला, गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर डाल दिया कि भाई ये हमें ब्लॉक मिला है, ये इसकी कैपेसिटी वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। अब जो भी बिल्डर है ना वो ऑनलाइन देख लेंगे वेबसाइट पे कि अच्छा इसमें ये है, इसमें यह है। अब वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई साहब गवर्नमेंट आप इसकी बोली लगाइए और हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब इसमें कॉन्ट्रेक्टर को मौका दिया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्टर जब कहेंगे तब उसकी बोली लगेगी। जैसे कि कॉन्ट्रेक्टर ने कह दिया 2 साल में कि नहीं भाई साहब इसकी बोली लगाइए आप, और इसके ऊपर मतलब बाकी बात डिस्कशन है वो की जाए, उसके बाद में इसको बेचा जाएगा। नहीं, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट है वो अपनी इच्छा से बेचती थी। गवर्नमेंट को जैसे यहाँ पे गैस का ब्लॉक मिल गया, फिर भी गवर्नमेंट 5 साल बैठी है, जब आगे से अप्रूवल आएगा देखेंगे, उसके बाद 5 साल तक बैठे रहो, तब जाके इसको मतलब आगे नीलामी होती थी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के हस्तक्षेप ज्यादा था। जबकि ओपन एंकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम में क्या किया गया है, यहाँ पे जो भी बाइडर या बिल्डर है, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रेक्टर है, वो खुद गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई साहब इसकी आप बोली है वो लगवाइए, इसे मतलब हम खरीदेंगे वगैरह। जो ये प्रोग्राम यहाँ पे OALP का है। लास्ट जो हमारी न्यूज है वो आई है साइट्स को लेके। देखो साइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसका दूसरा नाम वाशिंगटन कन्वेंशन भी है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से 2019 है, वो अभी रिसेंटली आयोजित की गई थी। तो वो तो हमने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। इसमें एक छोटी सी न्यूज ये थी कि साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स हैं, मतलब 3 लिस्ट बनाई गई हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। इस तरीके से 3 लिस्ट है यहाँ पे डेवलप की गई है। अब बात ऐसी है कि जो ऑटर ऑटर यानी ऊदबिलाव हिंदी में, उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई जो ऑटर है ना, इसका अगर ट्रेड होता है ना तो ये काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। और हाँ, इसको अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया है। अपेंडिक्स फर्स्ट में देखो उन्हीं जानवरों को या उन्हीं प्लांट स्पीसीज को डाला जाता है जो कि एकदम खत्म होने के कगार पे हैं। मतलब अगर उनका थोड़ा सा भी ट्रेड हुआ ना तो वो खत्म हो सकती हैं, मतलब उनपे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वो होती हैं। तो ऑटर को अभी अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया है साइट्स की, यानी ये वाशिंगटन कन्वेंशन को लेकर। तो ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।